Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zuhayb Asghar and we are talking about the syllabus class inter chapter number 16. Basically chapter number 16 jo hai wo तीन तरह के टॉपिक पे रिलेटेड हैं, जिसमें से पहला जो इसका पार्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाउ दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन एंड टू अनदर, किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है, क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नंबर टू उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा क्या है कि वो अपनी जनरेशन के साथ हमारे जो सिग्नल्स हैं उनको चेंज करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी ट्रांसमिशन के लिए, अपने फैलाव के लिए उनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, एक एंड से दूसरे एंड तक, एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये किस तरह से अपनी ट्रांसमिशन चेंज करती हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड जो इस चैप्टर का पार्ट है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। थर्ड जो इसका पार्ट है वो भी इसी के साथ कनेक्टेड है, वो आ जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में है क्या, बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मोस्टली हम जो इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बात करेंगे वो सब्सटेंस या वो मटेरियल हैं, कौन से, सेमीकंडक्टर्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड देखा जाए, सॉलिड के कितने टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड नंबर वन, नंबर टू एमॉर्फस सॉलिड या जिसे हम कहते हैं ग्लासी सॉलिड, नंबर थ्री पॉलीमेरिक सॉलिड। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात करें, दोज सॉलिड हुज एटम और द मॉलिक्यूल आर अरेंज इन अ रेगुलर मैनर विच इज रिपीटेड पीरियडिकली इनसाइड द क्रिस्टल इन थ्री डायमेंशन। याद रहे कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये बेस करता है किसके ऊपर, थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल्स के ऊपर, उन सॉलिड को कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। नंबर टू एमॉर्फस सॉलिड या जिसे हम कहते हैं ग्लासी सॉलिड, दो सॉलिड विच हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड और ग्लासी सॉलिड। नंबर थ्री पॉलीमॉर्फिक सॉलिड, दो सॉलिड दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन, जो कि दरमियान में हो किसके, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द एटम, यानी उनमें कुछ हमें अरेंजमेंट ऑर्डर फॉर्म में नजर आए और कुछ हमें डिसऑर्डर फॉर्म में नजर आए। दूसरे वर्ड्स में हम इसे कह सकते हैं दो सॉलिड्स इन विच अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम, जिनमें एटम की अरेंजमेंट मोर ऑर्डर्ड देन लिक्विड बट लेस ऑर्डर देन सॉलिड, यानी ऐसे मटेरियल की हम बात करते हैं जैसे लिक्विड फॉर्म में कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती। इन केस ऑफ सॉलिड फॉर्म जितने भी सॉलिड देख लें हम, उन सब में एटम की अरेंजमेंट होती है, इसका मतलब दोनों के दरमियान का जो मटेरियल होगा वो आ जाता है किसमें, पॉलीमॉर्फिक सॉलिड के अंदर। देन
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस ड्यू टू विच इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से वो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सब्सटेंस क्या करे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कंडक्टिविटी। ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस द सॉलिड आर डिवाइडेड इनटू थ्री फॉलोइंग नेचुरल ग्रुप्स। इस कंडक्टिविटी के, इस कंडक्टेंस को देखा जाए, इसकी नेचर को देखा जाए, तो हम कहते हैं सॉलिड अपने आप को तीन तरह की नेचर में रखते हैं। कौन कौन से? एक वो सॉलिड जिनको हम कहते हैं कंडक्टर, नंबर दो जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, नंबर तीन जिसे हम कहते हैं इंसुलेटर। दोज मटेरियल विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल अबाउट 10^7 ओहम मीटर इनवर्स वन, ओहम मीटर इनवर्स वन, या हम इसको कहते हैं ओहम मीटर पर ओहम मीटर, लाइक सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इन मटेरियल को हम लेते हैं किसमें, कंडक्टर में। नंबर टू सेमीकंडक्टर, दोज मटेरियल विच हैव कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड दैट इज सेमीकंडक्टर अबाउट 10^-6 टू 10^-4 ओहम मीटर इनवर्स वन और पर ओहम मीटर, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। नंबर थ्री इंसुलेटर, दोज मटेरियल विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दे हैव वेरी लो कंडक्टिविटी अबाउट 10^-10 टू 10^-20 पर ओहम मीटर और ओहम मीटर इनवर्स वन, लाइक वुड, डायमंड, गोल्ड etc। इन तीनों में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, याद रहे कि ये तीनों सॉलिड फॉर्म में हमें मिलते हैं। अगर सेमीकंडक्टर को देखा जाए तो अपनी ये कंडक्टिविटी कंडक्टर की तरह नहीं रखता, ना ये इंसुलेटर की तरह रखता है। इसका मतलब कि ये दोनों के दरमियान है, इसमें कुछ बैड कंडक्टिविटी भी पाई जाती है और कुछ इसमें कंडक्टिविटी भी पाई जाती है। एनर्जी बैंड थ्योरी, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लार्ज नंबर ऑफ एटम आर क्लोज टू ईच अदर। याद रहे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में छोटे छोटे जो एटम्स हैं वे सारे के सारे एक दूसरे के करीब होते हैं, वो सारे के सारे एटम मिलके हमें निकाल के देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। द इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड विद द न्यूक्लियाई, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एटम के न्यूक्लियाई के साथ बाउंडेड होते हैं। इसका मतलब कि न्यूक्लियस की एक फोर्स है जो इन इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलने नहीं देती। दिस एटम आर कंबाइंड फॉर्म सॉलिड, ये सारे के सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, सॉलिड को। ईच एटम ऑफ द सॉलिड हैव डिस्टेंट एनर्जी लेवल, हर एक एटम के पास अपनी अपनी एनर्जी है। व्हेन दे आर कंबाइंड स्प्लिट इनटू एन सब लेवल, एन एनर्जी सब लेवल्स, जब ये सारे के सारे मिलते हैं तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हमारे पास आ जाते हैं एन। हमें कहता है कि ये कोई एक, दो,
10, 12 या 15 एटम नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे एटम, इसलिए इसे हमने एन के साथ डिनोट कर दिया। दिस सब लेवल्स आर कॉल्ड एनर्जी स्टेट। इन सब लेवल को कहा जाता है एनर्जी स्टेट। एज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जैसा कि ये सारे के सारे बहुत करीब होते हैं एक दूसरे के, सो दैट दे फॉर्म कंटिन्यूस एनर्जी बैंड। ये सारे के सारे एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के करीब होने की वजह से अपने अंदर ये कंटिन्यूस एनर्जी बैंड बना लेते हैं। अब वो है क्या काइंड्स ऑफ बैंड? नंबर वन, वैलेंस बैंड। द लोएस्ट एनर्जी बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। नॉर्मली वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन द बॉन्ड एंड आर नॉट फ्री टू गेन एनर्जी फ्रॉम अप्लाइड फील्ड। यानी एक ऐसा बैंड, एक ऐसी जगह जहां पे ज्यादातर इलेक्ट्रॉन रहता है और वो बाहर से किसी भी एनर्जी को गेन नहीं करता। इसका मतलब एक ऐसी जगह जिसके ऊपर बाहर से आने वाली जो एनर्जी है वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करती, ऐसे बैंड को कहा जाता है वैलेंस बैंड। नंबर टू, कंडक्शन बैंड। इट इज अपर मोस्ट बैंड, ये सबसे हाईएस्ट बैंड है ऑफ द एटम। दिस बैंड इज ऑक्यूपाइड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। याद रहे कि हम इससे पहले बात से पीछे बात कर चुके हैं कंडक्टर की। वो कंडक्टर, वो सॉलिड, ऐसे मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के वैलेंस बैंड के अंदर हैं तो हम उसे कंडक्टर नहीं कहते। याद रहे फ्री इलेक्ट्रॉन वो कहां आपको मिलेंगे? कंडक्शन बैंड के अंदर। नंबर थ्री, फॉरबिडिंग बैंड और फॉरबिडिंग गैप। द रीजन इन विच इलेक्ट्रॉन के नॉट बी ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड फॉरबिडिंग गैप। इसका मतलब एक ऐसा स्पेस जो कि ऑक्यूपाई नहीं हो सकता किससे? फ्री इलेक्ट्रॉन से। ऐसे गैप को, ऐसे बैंड को कहा जाता है फॉरबिडिंग गैप। दिस बैंड इज लाइज बिटवीन, ये बैंड हमें मिलता है कहां? कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, दोनों के दरमियान, यानी कंडक्शन और वैलेंस बैंड दोनों के दरमियान हमें मिलेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसकी फिगर कुछ इस तरह से है कि एनर्जी लेवल इन इंसुलेटर कंडक्टर सेमीकंडक्टर। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि इंसुलेटर हम किसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं और कंडक्टर किसे कहते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा अपनी कंडक्टिविटी को शो करे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकें इजीली कहां से कहां तक, लोअर बैंड वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर इन दोनों के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर सकते हैं तो हम उस मटेरियल को कहेंगे कि ये कंडक्टर है। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के दरमियान मिलने वाले जो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव तो करें लेकिन वो मूव पूरी तरह ना कर सकें, कम मूव करें, ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे सेमीकंडक्टर। और ऐसा मटेरियल जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के दरमियान गैप बहुत ज्यादा हो, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंसुलेटर है। फिगर में देखें कि हाईएस्ट एनर्जी बैंड, ऐसा बैंड जहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा हो, ऐसे बैंड को कहा जाता है कंडक्शन बैंड। लोअर एनर्जी बैंड जिसके पास सबसे कम एनर्जी हो, उस बैंड को कहा जाता है कंडक्शन वैलेंस बैंड। याद रहे कि वैलेंस बैंड हमेशा फिल होता है, चाहे वो इंसुलेटर हो
चाहे वो कंडक्टर हो या फिर वो सेमीकंडक्टर हो। अगर कंडक्शन और कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड दोनों के दरमियान बनने वाला फॉरबिडन गैप फॉरबिडन बैंड बहुत ज्यादा है तो ऐसे मटेरियल को हम नाम देते हैं इंसुलेटर। अगर इन दोनों के दरमियान गैप बहुत ज्यादा, याद रहे कि अगर इन दोनों के दरमियान गैप ज्यादा होगा तो हमारे पास जो कंडक्शन बैंड है वो हमेशा हमें एम्प्टी मिलेगा। नंबर टू, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड अगर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब हो, इसका मतलब दोनों के दरमियान कोई गैप ही ना हो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें यानी मिले हो, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर। इसका मतलब है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये आपस में इन इलेक्ट्रॉन को इजीली मूव करवा देते हैं। देन सेमीकंडक्टर, क्या होता है सेमीकंडक्टर में? ऐसा मटेरियल जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के दरमियान गैप तो हो लेकिन एज कंपेयर टू इंसुलेटर ये गैप कम होगा, एज कंपेयर टू कंडक्टर ये गैप कुछ ज्यादा होगा। इस गैप को क्या कहा जाता है? फॉरबिडन गैप। याद रहे कि अगर सेमीकंडक्टर और कंडक्टर दोनों की नेचर को देखा जाए तो इनके दरमियान भी कंडक्टिविटी है, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ओवरलैप्ड हैं। यहां देखा जाए सेमीकंडक्टर, तो यहां पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ गैप है, नैरो गैप है, जिसकी वजह से ये अपनी नेचर कंडक्टर की तरह नहीं रखता। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह सेमी कंडक्टर से ही रिलेटेड है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।